फ्रेंड्स, मेरा नाम हामिद का है। अच्छा, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने वाला हूँ। हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहते हैं ना कि जी आजकल बीमारियाँ बहुत आ जाती हैं, इंसान का पता ही नहीं चलता। अगले दिन हमारे साथ फिर रहा होता है, दो दिन बाद पता चलता है, या अगले दिन उसका जब ऐलान होता है हमें पता चलता है कि यार वो तो इंतकाल कर गया, उनका फौत हो गया बंदा। तो फिर हम सोचते हैं कि यार अच्छा भला था। तो ये किस चीज़ों से बीमारियाँ बढ़ती हैं? आपने कभी देखा होगा, सोचा होगा कि आज से पहले के जो लोग थे, उनकी खुराकें, उनका खाना पीना और उनकी माशाल्लाह जो है सेहत कितनी परफेक्ट, और बीमारियों से भी वो बचे रहते थे और कितने फिट माशाल्लाह रहते, तंदुरुस्त रहते थे। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजूहत ये हैं कि वो खाना पीना उनका खालस होता था, जिसमें से एक चीज़ ये भी है, ये मिट्टी का बर्तन, इसका बहुत किरदार है हमारी ज़िंदगी में। तो अब आप लोग सोचेंगे कि भाई इसका किरदार कैसे हो सकता है, क्यों किरदार है इसका? हम आजकल पानी पीते हैं फ्रिज का, बर्फ़ का, जो कारखानों में बर्फ़ होती है उसमें पानी ख़राब गंदला, और उसमें कोई चक्कर नहीं होता कि भी हम पानी साफ़ यूज़ हो या कुछ भी, हम भागे जाते हैं बाज़ार से बर्फ़ ले आते हैं, कूलर में डालते हैं, सारा दिन वो पीते रहते हैं। तो इससे बीमारियां भी पैदा होती हैं और हमारे जो हैं फेफड़े और अंदर का जिस्मानी निज़ाम भी इससे मुतासर होता है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत वैल्यू और बहुत अहमियत रखती है। इस चीज़ में आप रात को पानी भर के रखें, ये मिट्टी का बर्तन है जिसको चाटी बोलते हैं, आप इसको रात को पानी भर के रखें इसमें, और सुबह मुंह निहार इसमें से दो गिलास पानी पिएं, और इंशाल्लाह आप हर तरह की बीमारी से महफूज रहेंगे। आपका मैदा मसाना बिल्कुल फिट रहेगा और आपके गुर्दे बिल्कुल वाश, और कभी भी आपको गुर्दे की पेन या पथरी या कुछ भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। आपको जो है जल्दी से जल्दी, जैसे होता है ना पेशाब आना, जल्दी पेशाब आता है या पेशाब का कलर पीला होता है, जो है जितनी भी यूरिन प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये क्या चीज़ है? ये बाज़ार से मिल जाता है, ये आज मैंने घर पे तैयार किया है। ये चाटी जब मैं बाज़ार से लेके आया हूँ तो ये लाते हुए मुझसे टूट गई थी कोने से ना थोड़ी सी, फिर मैंने इसके ऊपर ये इसको ट्यूब से बांधा है। तो ये मैंने जो है कह लें कि आप कूलर की नल लगाया है, नल लगा के, और ये देखें, ये इसको नल लगा के वाशर भी लगाई रबड़ की, और ये अंदर से निज़ाम देखें इसका, ये अंदर से देखें नज़र आ रहा होगा आपको, साफ मिट्टी का बर्तन है।